हेलो गाइस, वेलकम टू पीटर टॉक्स। तो बहुत बड़ी खबर आ गई है कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है, सैनिक स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो स्कूलों की मेरिट लिस्ट अब आना शुरू हो गई है। अभी सारे स्कूलों का नहीं आया, कुछ कुछ स्कूल का आया है। तो जिस जिस स्कूल में भी आपने अपने रिस्पेक्टिव स्कूल का जो फॉर्म भरा था, ठीक है, जैसे मान लिया किसी बच्चे ने तिलिया से भरा, किसी बच्चे ने नालंदा से भरा, आपको एनटीए की साइड पर नहीं जाना है, ऑफिशियल सैनिक स्कूल की साइड पर नहीं जाना है। आपको क्या करना है, आपको जाना है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिस स्कूल से आपने फॉर्म भरा था उस पे जाके आपको क्या करना है, चेक करना है कि वहाँ आया नहीं है। देखिए, कुछ कुछ स्कूलों का आने लगा है, सारे स्कूलों का नहीं आया है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे स्कूल का आ गया, कुछ कुछ स्कूलों का आ चुका है। तो आप वन बाई वन जो है चेक कीजिए कि आपने किस स्कूल से फॉर्म भरा था और किस स्कूल के लिए आप जो है एलिजिबल है। उस स्कूल की वेबसाइट पर जाइए और चेक कीजिए कि क्या आपका जो है मेरिट लिस्ट वहाँ पर आ चुका है। तो देखिए, मैं आपको बताने वाला हूँ एग्जाम्पल से। देखिए, मैंने जो चेक किया है, तिलिया की वेबसाइट चेक किया है और वहाँ पे जो है मेरिट लिस्ट आ चुकी है। तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरिट लिस्ट को कैसे चेक करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट पे। ओके गाइस, तो देखिए, हमने सैनिक स्कूल तिलिया की वेबसाइट को खोला, ऑफिशियल वेबसाइट है, आप ही चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जब नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देखिए नई जो है ना एंट्री हो चुकी है कि कॉल लिस्ट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल इन इंग्लिश और कॉल लिस्ट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल इन हिंदी। देखिए, आप जो है चाहे इंग्लिश में देखें, हिंदी में किसी में भी क्लिक कीजिए, आपकी जो लिस्ट का नाम आ जाएगा। तो मैं हिंदी में देख कर लेता हूँ। हिंदी में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए लिस्ट जो है डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड पे आप क्लिक कर देना, लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। ओके, अब डाउनलोड होने के बाद क्या करना है, आपको ओपन करना है। तो देखिए, यहाँ पे ओपन हो जाएगी, पीडीएफ से आप जो है ओपन कर लेना। ओके, अब यहाँ पे देखिए लिस्ट जो है ओपन हो चुकी है। तो देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखा, नीचे दी गई उन उम्मीदवारों के लिखित परीक्षा योग्य घोषित किए हैं जिन्होंने देखिए मेडिकल के लिए 1:3 में चुना गया है। ठीक है, तो ये सारी बात है। और जो 7 मार्च से शुरू होगी, देखिए मेडिकल प्रक्रिया की डेट भी आ गई है, 7 मार्च से जो है आपकी जो है प्रक्रिया शुरू हो जाएगी सैनिक स्कूल के आपके मेडिकल के लिए। तो देखिए, और यहाँ पे देखिए इनका जो रोल नंबर भी दे रखा है। ठीक है, ओके, तो यहाँ देखिए सारे बच्चों का रोल नंबर दे रखा है। ठीक है ना, और आपकी पूरी लिस्ट में चेक कर लेना। और इस लिस्ट में देखिए रोल नंबर आपको कैसे चेक करना है। ठीक है, जो भी आपका जैसे रोल नंबर चेक करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप पीडीएफ पे सर्च करना। ठीक है, और सर्च में आपने जो है रोल नंबर लिखने देना, जैसे 22 मैं लिखता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ के रोल नंबर थोड़े अलग है, तो यहाँ पे आपको अलग टाइप से लिखना पड़ेगा। ओके, यहाँ के रोल नंबर 26, ओके 2603, ऐसे आप सर्च करना, आपको जो है मिलने लग जाएगा। ओके, और नहीं फिर भी अगर नहीं होता तो आप जो अपना रोल नंबर चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपके जो सैनिक स्कूल के जो है अब मेरिट लिस्ट आने लग गई है। वन बाय वन आपको चेक करना है कि आपका जो है कौन से स्कूल के लिए आया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबका एक साथ नहीं है कि 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च है, और कुछ बच्चों का 10 मार्च को है। तो जो जो भी यहाँ पे जिस रिस्पेक्टिव डे में आपका आ रहा है, उस रिस्पेक्टिव डे के हिसाब से अपना चेक करना। ठीक है, वैसे यहाँ पे सर्चिंग का ऑप्शन आएगा नहीं, क्योंकि ये जो पीडीएफ है थोड़े अलग फॉर्म में है, यहाँ पे आप सर्च नहीं कर पाओगे। ओके, तो आपको जो है अपना रोल नंबर चेक ही करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि अपना रोल नंबर है या नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। और जिन बच्चे का भी सिलेक्शन होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।